नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज़, मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शहर में इन दिनों आ रही है बहुत सारे समाजसेवी संगठनों एवं क्लबों की बाढ़। करीब एक सैकड़ा से ऊपर यहां पर क्लब और समाजसेवी संगठन है। उसके बाद भी अगर कोई गरीब फुटपाथ पर सो रहा हो, वहां पर रहने को मजबूर हो, तो आप इसको क्या कहेंगे? एक रिपोर्ट के अनुसार सभी समाजसेवी संगठन एवं क्लब करोड़ों रुपया इन गरीबों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? अगर एक गरीब फुटपाथ पर अपना जीवन यापन कर रहा हो, बात कर रहे हैं बताशा गली स्थित एक दुकान के फुटपाथ पर सो रहे पिता और पुत्र की। मानसिक रूप से विकलांग जगदीश, जिसके पिता की उम्र 70 वर्ष है, अपने बेटे के साथ उस फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। कई बार वे कलेक्टर से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। शुरू से ही इनकी हालत ऐसी नहीं थी। इससे पहले वो किराए के मकान में और बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। मकान मालिक ने उनसे मकान खाली करने का बोला। जब जगदीश और पिता मकान खाली करके जा रहे थे, तो उनके साथ जिस ठेले पर उन्होंने सामान रखा था, उसने धोखा कर दिया और सारा सामान लेकर फरार हो गया। ऐसा नहीं कि ठेले वाले को इन लोगों ने नहीं ढूंढा, काफी तलाश करने के बाद भी, थाने जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। थक हार कर ये एक दुकान के आगे बैठ गए, वहीं पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो कुछ भी उनको खाने को मिल जाता है, उसी से अपना गुजर कर रहे हैं। ऐसा पानी पीने को मजबूर है, जिससे हम कपड़े धोने के लिए भी उपयोग में नहीं लेते हैं। एक बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ है, उसी को पी के, उसी से हाथ मुंह धो के, उसी से सारा काम निपटाते हैं। कई सामाजिक संगठन अपनी मिसालें देते थकते नहीं है। उन्हें क्या इनकी गरीबी देख नहीं रही, या इनकी मजबूरी को देखना नहीं चाहते? क्योंकि अगर वे इस गरीब के लिए कुछ करते हैं, तो उनका नाम कभी फ्रंट पेज पे नहीं आएगा। शायद इसीलिए क्या इसकी तरफ किसकी नजरें नहीं जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि हमारी रिपोर्टिंग के बाद कितने सामाजिक संगठन एवं क्लब इस व्यक्ति तक अपनी सहायता पहुंचाते हैं। लोगों की माने तो इस तरह के समाज सेवी क्लब एवं संगठन केवल वाहवाही लूटने और अपने झूठे दिखावे के लिए ही लोगों की मदद करते हैं। अब देखना यह होगा कि लोग सच बोलते हैं या वाकई में समाज सेवी संगठन समाज के लिए काम करते हैं। समझ से परे है कि शहर के बीचों बीच होने के बाद भी किसी भी सामाजिक संगठन या क्लब के किसी व्यक्ति की नजर इन तक नहीं पहुंची। अगर पहुंची है, तो क्यों उस सामाजिक संगठन या फिर समाज सेवी संस्था ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? हम किराए से रहते थे, तो खाली करा लगाने मकान, और हमारे पास कभी है नहीं है। हमें परेशानी है, खर्चा पानी चलता नहीं है, कुछ नहीं चलता, और हम क्या करें? हमसे हमारा मोड़ा है पागल, और हम कभी कर पाते नहीं है, डर पाते नहीं, हम डर ही रहते हैं। सरकार दुनिया को मदद कर, हमें आज तक एक सौ रुपया नहीं मिली सरकार से कहूँ, 100 रुपया नहीं मिले। दुनिया को मदद देने वाले हमें नहीं देता मदद, क्या करें? पहले जहाँ रहते थे वहाँ से क्यों निकाल दिया? किराए को मकान है, तो किराए के मकान में मैंने खाली करा लो, तो गंदगी मचा गई, तुमने कह रहा क्या ये? तो किराए को मकान खाली करा लो, किराए को मकान खाली करा लो, हम 2,500 को सामान चलोगे पूरे, कोई नहीं, वो कोई मदद करती नहीं है, क्या करें यार? प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक मंगलवार को होती है जनसुनवाई। हर जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई को करना बेहद ही जरूरी है। इसी तारतम्य में आज शिकायतकर्ता पहुंचे जनसुनवाई में, ताकि उनकी शिकायतों का हो सके निराकरण। बमोरी बुजुर्ग से आई महिलाओं का कहना है कि उनके गांव में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही बिजली। बिजली ना होने के बावजूद भी उनके पास आ जाते हैं बिजली के बिल। अपनी समस्या रखी उन्होंने कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष, जहां से उन्हें आश्वासन मिला कि अगले 10 दिनों में उनकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। 2 लीटर तेल मिले, 2 लीटर तेल एक महीना नहीं मिला, और मच्छर नहीं खा रहा है। खड़ी तो रहे सरदर्द लिया है।
क्या नाम है आपका? मुन्नी भाई। कौन से गांव से आए? बामूरी बुजरक से। बताएं कि क्या समस्या आ रही है आपके गांव में? लाइट नहीं है। हाँ। पानी नहीं है, 6 साल से लाइट नहीं है। 6 साल से? हाँ। वीआईपी कॉलोनी वासी आज पहुंचे कलेक्टर की जनसुनवाई में। कॉलोनी वासियों की समस्या है कि वहां पर नाली नहीं है, नाली ना होने के फेर में सड़कों पर ही रहता है गंदा पानी। पानी की निकासी और नाली की समस्या को लेकर यहां पर आए दिन होते हैं झगड़े, उसके बाद भी नगरपालिका इनकी ओर ध्यान नहीं देती है। कई बार नगरपालिका में इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन नगरपालिका के कानों पर जू नहीं रहेंगे, ऐसा कहना है कॉलोनी वासियों का। इसी शिकायत को लेकर आज कॉलोनी वासी पहुंचे कलेक्टर राजेश जैन की जनसुनवाई में। सरस्वती स्कूल वाली गली में रहते हैं, तो स्कूल वाले भी बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं, वो तो वगैरह जाती है, तो उसमें नाली नहीं है। नाली के लिए आवेदन भी दिए हैं कई बार हमने नगर पालिका में, लेकिन सबसे समस्या ये कि जो हमारी गली का एंड है ना, वहाँ पे सामने वाले कुछ रहवासी रहते हैं, वो हमारे सामने ही जाके नाली पे पत्थर लगा देते हैं, बोलते कि हमारे प्लॉटों के सामने पानी नहीं आना चाहिए। हमारा ये है कि हम उसको स्टोर तो कर नहीं सकते, नगर पालिका कुछ करवाना चाहिए उसके लिए, बस यही चाहते हैं कि हमारी मतलब नालियाँ बनी जाए। विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो सामने वाले आते हैं जो पत्थर लगा के जाते हैं, तो वो लड़ाई की स्थिति पैदा होती है, हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्यों विवाद किया जाए। कलेक्टर अंकल, हमें इस टीचर से नहीं पढ़ना है, वे हमेशा हमारे नामों का मजाक उड़ाता है और हमें देखकर गाने गाता है, हमें उस टीचर से नहीं पढ़ना है, ऐसा कहना है शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय की छात्राओं का। कैंट स्थित शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय की छात्राएं आज जनसुनवाई पहुंची, जहां पर उन्होंने कलेक्टर राजेश जैन से गुहार लगाई कि अंकल हमें इस टीचर से बचाओ, हमें इस टीचर से नहीं पढ़ना है। जब कारण जानना चाहा तो पता चला कि टीचर इनको देखकर गाने गाता है जो इनको पसंद नहीं, साथ ही अभद्रता भी करता है जो इन छात्राओं को नागवार गुजरती है, जिसकी शिकायत करने के लिए आज कलेक्टर से मिलने जनसुनवाई पहुंची। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने त्वरित कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव को आदेशित किया। वहीं शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने जब इनसे बात की, उसके बाद मामला ही पलट गया। हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पूरे मामले को उल्टा ही कर दिया और कहा कि ऐसा कोई अभद्रता की शिकायत करने कोई भी छात्राएं नहीं आई हैं, बल्कि इनका कहना है कि इस टीचर से हमें नहीं पढ़ना है। कारण नहीं बताया गया। समस्या पर है कि क्यों जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना किसी जांच के मास्टर को क्लीन चिट दे दी। साक्षी झा। कौन से स्कूल से आए हो आप लोग? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कैंट। क्या मतलब किस लिए आए थे यहाँ साहब के पास? सर हमारे हिंदी का पीरियड नहीं लगता है 8th में। क्यों नहीं लगता? सर बहुत कम आते हैं पढ़ाने के लिए। जी सर बहुत कम आते हैं पढ़ाने के लिए क्लास में। क्यों नहीं आते? आपने कभी जानना चाहा, सर से पूछा था? सर वो 7th में ही पढ़ाते थे, ऐसे ही पढ़ाते। जैसे अभी बोल रहे थे कि हमें उनसे नहीं पढ़ना, क्या कारण है उनसे नहीं पढ़ना आपको? सर वो क्लास में आते हैं, मजाक करती रहती हैं। क्या मजाक करते हैं? सर किसी के नाम का गाना बनाते हैं और फिर गाना बनाते हैं। हमारी क्लास में मोनिका है तो उसको गाना बनाते मोनिका डार्लिंग। अच्छा तो सर हमको उन सर से नहीं पढ़ना। क्या नाम है उनका? गाना गाते हैं आप? हाँ, देख कर। हाँ, सर नाम का तो ठीक है सबका। तो क्या बेटा सभी लोगों से मजाक करते हैं क्या? अच्छा कॉमेडी है इसलिए करते हैं, सबसे कॉमेडी करते देते हैं। तो आपने कभी अपने मतलब प्रधान अध्यापक से नहीं बोला, कभी इससे शिकायत नहीं करते? सर ने सामने 7th में बोला था, सर ने बोला 8th में पीरियड हम नहीं देंगे सर का। हाँ। जब भी दे दिया। फिर क्या बोले वो? 7th में ही परेशान थे हम उन सर से। अच्छा 7th में भी नहीं पढ़ाने आते थे वो सर हमको? पहले सोशल साइंस पढ़ाते थे, पूरा लॉस हो गया था हमारा 7th में। उनका ये कहना था कि टीचर क्लास में ढंग से पढ़ाते नहीं है, बाहर बैठे रहते हैं और हमें उनसे नहीं पढ़ना, बस इतनी। सर इनका कहना था, अभी इन्होंने समस्त मीडिया से ही बोला कि टीचर इनके साथ अभद्रता पेश करता है इनके सामने।
ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैंने अभी इसीलिए एक अकेले में ले जाके बच्चों से बात करी थी, उनका ये कहना था इन टीचर से पढ़ना नहीं है, ये पढ़ाते नहीं। उनका कहना था सर कि जो वो बच्चों का इन बच्चियों का नाम नहीं लेके कोई गाने बनाते हैं, गाने वाने नहीं बनाते, वो ऐसा उन्होंने मुझे नहीं बताया। सर आप क्या कार्रवाई करेंगे उस टीचर के खिलाफ? उनकी जांच बिठाल करके कार्रवाई करूंगा उन पे, जो भी टीचर। मुझे तो अभी हाल कलेक्टर साहब ने बताया जन सुनवाई के दौरान कि आप बच्चों की जाके सुनो क्या प्रॉब्लम है। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इन दिनों चल रहा है युवा उत्सव। युवा उत्सव में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय युवा उत्सव में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी तारतम्य में यहां पर हुई भाषण प्रतियोगिता, साथ ही रंगोली प्रतियोगिता। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के आकस्मिक निधन के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही पता चला महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन हो गया है, तभी से सोशल मीडिया में आमजन की जुबान पे सिर्फ महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का ही नाम है। इसी तारतम्य में आज शोक सभा का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जहाँ पर कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपनी शोक संवेदनाएं महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को व्यक्त की। ब्रह्म स्वभाव के धनी और अटूट श्रद्धा भक्ति भाव रखने वाले व्यक्ति परम श्रद्धे श्री महेंद्र जी कालूखेड़ा जी का निधन गुना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की अपूर्णीय क्षति है। सत्ता हो या संगठन, दोनों ही पदों पर काम करने का जिस व्यक्ति को मौका मिला और उन पदों की गरिमा हमेशा ख्याल रखकर शास्त्री पार्क सब्जी मंडी में आज फिर हुआ हंगामा। नगरपालिका ने सब्जी बेचने वालों की सहूलियत के लिए बनाए थे होकर जोन, और उन्हीं लोगों से आग्रह किया था कि रस्ते में सब्जी न बेचकर वहीं पर दुकानें लगाएं, जिसके चलते आज काफी तनातनी का माहौल देखने को मिला, जिसमें दुकानदारों एवं ग्राहकों का कहना है कि नगरपालिका के कर्मचारियों ने बहुत ही अभद्रता की एवं धक्का मुक्की भी की। वहीं नगरपालिका के कर्मचारी से जब हमने बात करनी चाहिए तो उसका यह कहना था कि किसी भी शासकीय कर्मचारी ने किसी भी दुकानदार या फिर ग्राहक से किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं की है। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह जबरदस्ती करके नगरपालिका के कर्मचारी सब्जी वालों की दुकानें खाली करवा रहे हैं और उनकी सब्जियां ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे हैं। समझते परे है कि झूठ बोल कौन रहा है, नगरपालिका कर्मचारी या वो ग्राहक या दुकानदार। पर
दिया जान से मार देंगे अगर नहीं लाओगे तो। तुमने जो शास्त्री पार्क सब्जी मंडी फोकस जोन आवंटन सभी सब्जी विक्रेताओं के लिए आवंटन कर दिए गए हैं, लेकिन ये लोग नीचे बैठ रहे हैं होकर जोन में, इन्हीं की सुविधा के लिए होकर जोन बनाए गए हैं, लेकिन दुकानदार नीचे बैठ रहे हैं जिससे नागरिकों के लिए काफ़ी असुविधा हो रही है, काफ़ी जाम लगता है। इसलिए सभी से आग्रह किया गया है कि जिन जिन लोगों के लिए सब्जी की दुकानें आवंटन होकर जोन में दी गई हैं अपने अपने स्थान पर अपने अपने नंबर पर बैठें। आज आग्रह किया या धक्का मुक्की करिए और बदतमीजी से बात करिए आप लोगों ने? किसी ने, किसी भी कर्मचारी ने धक्का मुक्की कोई भी अशब्द नहीं बोला गया है। आपके कर्मचारी ने इन्होंने धक्का मुक्की करी और अपशब्द बोले? किसी कर्मचारी ने, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो बताएं। मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इन लोगों ने बदतमीजी से बात करी। आप रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग बताना, अभी अपन यहीं पर ही खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं किया गया, सभी के सहयोग की अपेक्षा की गई है सभी से, सभी हम पे आरोप लगा रहे हैं अनगलत, किसी से माने कोई बदतमीजी नहीं की गई है, सभी से आग्रह किया जा रहा है, पूर्व में भी आग्रह किया गया था और आज भी आग्रह किया गया है, अनाउंस किया गया है, सभी के लिए बताया गया है कि अपनी अपनी दुकानें अपने अपने स्थान पर रखें नंबर पर। मामला ये हुआ है कि हमारा इसमें केस चल रहा है कौन से नगर पालिका, क्योंकि ये जगह के हम पहले से ही स्वामी हैं, इस जगह पर हम पहले 30 सालों से बैठते चले आ रहे हैं और 10-12 सब्जी वाले पुराने जो बैठते हैं, जो पहले से इनके नाम जो चीज़ें हैं, वो केस पहले नगर पालिका से चला था जिसका राजीनामा हुआ है हमारा नगर पालिका से, क्या इसके तहत इस जगह पे हम बैठने के अधिकारी हैं, जो हमारा राजीनामा हमने आपको बताया है और नगर पालिका दादागिरी से हमको हटाना चाहती जो बताइए। आज आपके साथ मतलब आज हमारी पूरी दुकान ट्रॉली के अंदर भल्ली थी, अब जिसको हमने हाथ जोड़कर रुकवाई और हमारा कम से कम 5,000 का माल सड़ चुका है, खराब हो चुका है, भरके भी ले गए कम से कम 5-6 हज़ार का माल। अब आप बताइए कहाँ जाएँ और क्या करें? तो इसकी उन्होंने आपको पहले बुझी थी क्या? हमको नगर पालिका ने कोई सूचना नहीं दी, उन्होंने कह दिया कि दुकान अलाउड हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जिसकी दुकान है उसको ही देंगे, जबकि ये दुकान हमारी है, पहले इस जगह पे हम बैठते चले आ रहे हैं शुरू से। नगर पालिका ने 5-10 हज़ार रुपये का हमारा माल ट्रॉली में डाल लिया है और दादागिरी और गाली गलौज चल रही है उनको। दुकान पे सामान लगा, दुकान समझा जो खड़ा है उसको भी बदतमीजी से, चाहे घिराक हो चाहे कोई हो, सबको बदतमीजी से गाड़ी बकलाए, धक्का मारना है, इनमें धक्का मार दिया, तमीजी नहीं है बिल्कुल, बोला तो अकड़ा ना, फिर फेंक देंगे उठा के, ये कर देंगे, मामला चल रहा है, इन लोगों की पूरी दुकान ही फेंक दी उन्होंने, समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा उनको, क्योंकि तो कोर्ट वहाँ से आदेश है, हमारे पास नगर पालिका के आदमी है, तुमको स्टे कम मिला, हमारा कोर्ट में 15 दिन से मामला चल रहा है। नगर पालिका ने फर्जी आमंत्रण किया है लोगों के लिए, ये पूर्व से हमारा पास फैसला है कोर्ट का, वर्ग न्यायालय 2 का, उस फैसले में आदेश हुआ है इन लोगों की दुकान आमंत्रण की गई है, ये 5 लोग आमंत्रित हैं इन लोगों के नाम और इससे कम्प्रोमाइज हुआ है नगर पालिका से, नगर पालिका का ये कम्प्रोमाइज राजीनामा मेरे पास है, नगर राजनामा का नगर पालिका मेरे पास, जी नगर पालिका का राजनामा है, नगर पालिका सी ओ ने खुद ने मुझसे राजनामा कर 5 लोगों को दुकानें दी हैं। पहले भैया कम ही बैठते थे, जी दुकानें कोई बैठी थी, आज 20 साल पहले हमें राजनामा करके नगर पालिका ने यहाँ पे दुकानें दी हैं, आज का कोई नया काम नहीं हुआ है, हमारे पास कागज है, बिना कागज थोड़े आमद है, आप जी चाहते हैं 50,000 रुपये इन्हें रिश्वत दे दें, 50,000 रुपये रिश्वत थोड़े देंगे, अब इन्हें 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपये थोड़े देंगे। जनपद शिक्षा केंद्र विकासखंड गुना के कार्यालय में आज एक बड़ा हादसा होते से बच गया, जहां चलते हुए एक पंखा गिर गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के ज्यादा हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर इस कार्यालय की बात करें तो एक कार्यालय पूरा जर्जर हो रहा है। इस जर्जर भवन की हालत यह है कि यहाँ पर जमीन धस गई है, साथ ही पपड़ी पट रही है और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। कब गिर जाए यह भवन समझ से परे है, न जाने क्यों सरकारी नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे और इस जर्जर भवन की हालत सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। शायद जिला प्रशासन एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और कैसे यहां पर शासकीय कर्मचारी इस जर्जर भवन में अपनी मौत को दावत देते हुए नौकरी करने को मजबूर हैं। किस पद पे हैं आप?
खबर पंखा गिरा वो नहीं थी खबर जी उसके साथ नहीं तो वो उसके साथ में सम हो जाएगी तो मेरा नाम नाथूलाल जाटव। कौन सा प्रभाग है? मैं करोड़ शिक्षक हूँ। बताएं ये क्या हुआ घटना? अभी यार हम चलते चलते ना यहाँ पे बैठे थे, लालचंद ओझा यहाँ पे बैठे थे, मैं यहाँ पे बैठा था और एकदम से पंखा गिरा तो मेरा हाथ ऐसा रखा था ये देखना जी छिल गया जस कुछ गया और मेरा है ना इसमें ऐसा हुआ तो वो पंखड़ी इधर निकल गई, टेलीफोन भी गिर गया, कलमदान भी टूट गया था, उसमें कलमदान भी नीचे गिर गया था। किस किस को चोट आई है? वो थोड़ी सी आई, वो तो मामू जी ऐसा तो पहले से पंखा मटकता था। हाँ पहले से पंखा गड़बड़ कर रहा था, हम लोगों ने मना भी किया था कि हमारा पंखा लगा जाओ इसमें, लेकिन हमारा पंखा ना लगाते हुए हमने कई बार इन लोगों से कहा कि ये पंखा गिर जाएगा भविष्य में, तो वो नहीं माने और वो हमारा पंखा नहीं लगाया, उसके बदले है ना जिप वाला पंखा लगा गए। जनसुनवाई में एक युवती पहुंची जिसका कहना है कि शादी का झांसा देकर 6 साल तक एक युवक उसके साथ करता रहा शारीरिक शोषण एवं कई बार करा चुका है वो गर्भपात। मामला पूरा यह है कि युवती पढ़ने के लिए गुना आई, यहां पर वो जीतू रघुवंशी के मकान में किराए से रहती थी, वहीं से उन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और तभी से उनके संबंध बनने चालू हो गए। देखते ही देखते प्रेम आगे बढ़ा और युवती और युवक दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसी शादी का झांसा देते हुए जीतू रघुवंशी पिछले 6 सालों से महिला के साथ शोषण कर रहा है। यह शोषण शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह का है। महिला का यह भी आरोप है कि जीतू रघुवंशी ने उसे करीब 6 बार गर्भपात भी कराया है। महिला का आरोप है कि जीतू रघुवंशी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया एवं गर्भपात भी कराया है। जब भी महिला उसे शादी की बात करती तो शराब पीकर वह महिला को मारना शुरू कर देता। वहीं महिला का यह आरोप है कि 6 माह पूर्व जीतू रघुवंशी ने उसे घर से बुलवा लिया कि घर से आजा हम शादी करते हैं, उसके बाद भी शादी करने के नाम पे वो रोज नए बहाने खड़े कर देता और मारपीट करता था। विगत 6 दिनों से युवती जीतू रघुवंशी के घर के बाहर बैठी हुई है और खाना भी खाने को मोहताज है। युवती के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि युवती ने पहले कहीं शिकायत नहीं करी, उसे जब गुना थाने में शिकायत करनी चाहिए तो कह दिया गया कि मामला भोपाल का है, शिकायत वहां होगी। जब युवती भोपाल गई वहां शिकायत करना चाहिए तो वहां पर गुना का मामला कहकर टरका दिया गया। युवती का कहना है कि अब जाए तो जाए कहां, ना उसके पास पैसा है ना घर बार और अब जो थी इज्जत वह भी जीतू रघुवंशी नीलाम कर दी। जी बहन जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? जीतू ने पहले भैया मुझे बुला लिया कि तू आजा सामान लेके उधर भोपाल से, 6 महीने से उधर का किराया नहीं दिया इसने, ना कुछ खाने दे रहा है और शादी का झांसा ही दे रहा है, आज करूंगा कल करूंगा आज करूंगा कल करूंगा और अब घर में नहीं रख रहा। तो वो पहले से शादीशुदा है क्या? नहीं है, शादीशुदा नहीं है वो। आपका संपर्क कहाँ से हुआ उनसे? जीटी कॉलेज हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखने आई थी, इनका रूम मैंने किराए से लिया था, ऐसे इनके कॉन्ट्रैक्ट में आई मैं। कहाँ लिया था? कितना? हनुमान कॉलोनी। कितना समय हो गया? 7 साल हो जा रही है भैया। तो क्या आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार वगैरह भी किया गया, मारपीट वगैरह? 6 बच्चे गिरा चुका है भैया वो, और मारपीट वो आए दिन क्या करता है दारू पी के। कहाँ की रहने वाली है आप? गंज वासुदा की। शिकायत करी आपने उसकी? कईयों बार करी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया भैया, अकेली पड़ गई हूँ ना, पैसा नहीं है मेरे पास, 6 दिन से उसके घर के सामने भूखी प्यासी बैठी हूँ मैं। आप क्या कर रही हैं? आप साथ में रह रही क्या जब से? इधर नहीं रखे था भैया, वो भोपाल ले गया मुझे 4 साल पहले ही। वही रहती थी? वही भोपाल में ही। भोपाल में भी मैंने पूरे ऐसा कोई ताना नहीं बचा जहाँ मैंने उसकी एफआईआर ना करी। उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई एक्शन ही नहीं। वो उधर की पुलिस जी कहती है कि आप गुना जाके कार्रवाई करो, गुना की पुलिस जी कहती है भोपाल जाके कार्रवाई करो, अब बता दो आप कहाँ कार्रवाई करे जा। जिंदगी
की तो मेरी खराब हो गई ना। जहाँ से हूँ मतलब कि जब पूरा मतलब निकल गया उसके बाद में समाज बता रहा। आज इतना परेशान कर रहे हैं भैया जिसकी कोई याद नहीं। अब पुलिस नहीं सुन रही आपकी बात? पुलिस नहीं सुन रही आपकी। क्या कह रही पुलिस? गुनाह का है। आप इन्हें कोर्ट में लगाओ। क्या गुनाह का है? हाँ। विदिशा नौकरी करता है? विदिशा हम नौकरी नहीं करता अंकल, गंज बासुता की हूँ मैं। डीजे आने में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।